तो भैया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से क्लास फर्स्ट में एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का या अपने रिलेटिव का कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आसानी से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी एक मोबाइल से। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो भी आप इसका फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर आप पहले ही इसका आधा फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से फॉर्म के अंदर अपलोड करने की कंप्लीट प्रोसेस उस वीडियो में बताई है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन फॉर्म निकले हैं उसको कैसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलते फटाफट मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये जैसे कि आप लोगों को अभी अभी हमने बताया, हम केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट के एडमिशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो हम इसके लिए formjankari.com पर केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन 2022 के पेज पर आ चुके हैं। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स अपडेट कर दी है, आप इस पेज पर आकर इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इम्पोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है, हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेज ओपन हो गया है। हम सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइड में करेंगे, तो इसके लिए थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइड, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जैसा हम लैपटॉप या कंप्यूटर में पेज को ओपन करते हैं उसी तरीके से ये पेज ओपन होकर आ गया है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो भी आपको इस फॉर्म को फिल करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसमें नीचे जाते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक लगाना है, उसके बाद यहाँ आगे बढ़े प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, उसके बाद हम डायरेक्ट आगे के पेज पर चलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ बच्चे का पहला नाम, तो हमें फर्स्ट नेम ऊपर डालना होगा। उसके बाद लिखा हुआ बच्चे का मध्य नाम, अगर मिडिल नेम है तो आप सेकंड कॉलम में डाल दीजिए। और लास्ट में लिखा हुआ बच्चे का उपनाम, मतलब अगर सरनेम है लास्ट नेम है तो आपको थर्ड कॉलम में डालना है। आगे दिया हुआ है यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर चाइल्ड जो है डिसेबल कैंडिडेट है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आगे बच्चे की जन्म तिथि डालनी है। नीचे लिखा हुआ है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पुत्र पुत्री है, अगर इसमें से कुछ भी है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा नहीं है या पोत पोत्री नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर केवीएस के एम्प्लॉय का चाइल्ड है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कोई एम्प्लॉय केवीएस में काम करता था और वह रिटायर हो गया है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर पोत्री या पोत्री है तो उसी तरीके से ये फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। नीचे हमें ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और आगे कैप्चा दिया हुआ है, तो जो कैप्चा ऊपर दिया है उसको नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है। जब इन डिटेल्स को आप पढ़ लें तो उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें। तो मैं जल्दी से ये डिटेल्स फिल कर देता हूं, उसके बाद आपको आगे ले चलता हूं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी है, इसके बाद नीचे आकर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ओटीपी मांगी है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। तो जब तक हमारे मोबाइल पर ओटीपी आती है तब तक हमें वेट करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुकी है, इस ओटीपी को हमें रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर डालना है। तो हमने ओटीपी और कैप्चा यहाँ पर डाल दिया है, अब हम नीचे आकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। नीचे हमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिख रही है, जिसमें नाम, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसमें जो लॉगिन कोड दिया हुआ है इसको हमें नोट कर लेना है, जो कि हमें आगे काम आएगा। अगर आप चाहें तो इन डिटेल्स को प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए और ये पेज प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल अब हमें लॉगिन करना है और आगे फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ दिया हुआ है टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब हमें जो लॉगिन कोड दिया हुआ था वो यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और आगे मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है जो कि नीचे वाले ब्लैंक बॉक्स में डालना होगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो मैं जल्दी से ये डिटेल्स फिल करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। हमने सभी डिटेल्स को ऊपर फिल कर दिया है, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म पर आ चुके हैं, तो हमें इसमें नीचे जाना है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन का कॉलम है, जिसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स फिल की थी वही शो होकर आ रही है। यहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, हमें इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया हुआ है परिवार का आय वर्ग, किस आय वर्ग में आप आते हैं उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, मतलब अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको पहला
ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद EWS कैंडिडेट्स को दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे कास्ट सर्टिफिकेट पूछी गई है, तो अगर आपकी कास्ट इनमें से कोई भी है तो आपको वह सिलेक्ट करनी है। आगे ब्लड ग्रुप पूछा है, तो आप अपने हिसाब से अपना ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। इतनी डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर पेरेंट डिटेल्स पूछी है, जिसमें हमें पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। लेफ्ट साइड में मदर्स डिटेल्स का कॉलम है और राइट साइड में फादर्स डिटेल का कॉलम है। तो सबसे पहले मदर्स डिटेल को फिल कर लेते हैं। टाइटल को सिलेक्ट करेंगे मिस मिसेज लेट, तो हम मिसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे मदर्स नेम डालना है, नेशनलिटी डालनी है। अब नीचे वाले कॉलम में दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि माता के आवश्यक पता पिता के आवश्यक पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में मदर्स का कॉलम है और राइट साइड में फादर्स का कॉलम है। अगर आप चाहते हैं जो एड्रेस की डिटेल आप लेफ्ट साइड के मतलब मदर्स के कॉलम में फिल कर रहे हैं, वही सेम डिटेल ऑटोमेटिक फादर्स के कॉलम में फिल होकर आ जाए, तो आप इसमें यस कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग डिटेल दोनों में फिल करनी है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर देश सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल दूंगा। राज्य सिलेक्ट करना है, आगे शहर पूछा है, उसके बाद नीचे घर का पता पूछा है, आगे लैंडलाइन नंबर पूछा है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मदर्स में जो भी मोबाइल नंबर उनका पास हो उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब नीचे यहाँ पर व्यवसाय पूछा गया और संस्था का नाम पूछा गया है, इसको भरने के लिए ऊपर ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए पहले। यदि माता काम करती है या थी तो कृपया निम्न जानकारी को भरें, तो जो मदर है वह काम करती थी या करती है, तो आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं मदर साइड में ये डिटेल्स फिल नहीं करूंगा। अब हम ऊपर चलते हैं और फादर की डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले मिस्टर, मैं यहाँ पर फादर्स में भी ऑक्यूपेशन में कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी काम करते हैं, उस डिटेल को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब मैं नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमें प्रेफरेंस चुननी है, केंद्रीय विद्यालय के नाम सिलेक्ट करने हैं जिन जिन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, उसके बाद बीच में सिलेक्ट विद्यालय सेकंड, और लास्ट में दिया हुआ है सिलेक्ट विद्यालय थर्ड। तो सबसे पहले हमें स्टेट सिलेक्ट करना है विद्यालय फर्स्ट की, और उसके बाद स्कूल का नाम डालना है। हमने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट कर लिया है। आप इसमें मैप भी चेक कर सकते हैं कि यह विद्यालय कहाँ पर लोकेटेड है। अब हमें विद्यालय सिलेक्ट करना है, इसके लिए हम स्टेट डाल देंगे, और आगे स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। हमने सेकंड विद्यालय भी सिलेक्ट कर लिया है, हमें विद्यालय थर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें स्कूल का नाम डालना है। तो हमने सभी विद्यालय सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे जाएंगे, अब हमें यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरनी है, ये भरना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेवा प्राथमिकता श्रेणी में, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ समझ ना आए या आपको भरने में कुछ प्रॉब्लम आए, इसको सही से भरना है आपको। तो अगर आपको ये भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बाहर पहले क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर दिया हुआ है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो इस पर यस कर दें। अब आपको नीचे जाना है, सबसे पहले चूज एम्प्लॉयर चुनना है, आप किस तरीके की जॉब करते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्मी, CISF, BSF, ITBP, रेलवेज, इनमें से किसी में काम करते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आर्मी सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है सर्वेइंग, इस पर क्लिक करना होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेवा की प्राथमिकता सिलेक्ट हो गई है फर्स्ट वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट हो गई है, लेकिन ये जो कैंडिडेट है वह आर्मी से रिलेटेड नहीं है, इनका खुद का बिजनेस है, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना है, जिसमें NA लिखना है। तो आप देख लीजिए सेवा प्राथमिकता श्रेणी में पांचवा ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अब आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये केवल पहली कैटेगरी के लिए है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्लिक करके नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक होना चाहिए। देख लीजिए मैंने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों आपको इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे हमने विद्यालय फर्स्ट में ग्वालियर नंबर 2 सिलेक्ट किया है और हम नीचे गए, इसमें हमने डिटेल्स सिलेक्ट कर दी थी। सबसे पहले हमें प्राथमिकता श्रेणी सिलेक्ट करने में मदद चाहिए थी, तो हमने यस कर दिया। उसके बाद हमने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस NA डाल दिया है, तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब हमने विद्यालय फर्स्ट के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आगे हमें विद्यालय 2 पर क्लिक करना होगा। आप देखिए यहाँ पर भी ये कॉलम ब्लैंक है, तो हमें इसमें प्रायोरिटी हमें पता चल गई है कि हमें फिफ्थ प्रायोरिटी डालनी है, तो हम इसमें डायरेक्ट क्लिक करके फिफ्थ प्रायोरिटी डाल सकते हैं। उसके बाद विद्यालय 3 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हमें नो पर क्लिक करना है, और उसके बाद प्रायोरिटी वही डाल देनी है। आप देख सकते हैं हमने इन सभी में प्रायोरिटी फिल कर दी है, आगे हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम आसानी से अगले पेज पर आ चुके हैं। अब हमें इसमें एक और काम करना है, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है सेव एप्लीकेशन, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने जितनी डिटेल्स अभी फिल की है वह हमारी सेव हो चुकी है, ताकि अगर हमारा गलती से पेज चला जाए और दोबारा लॉग इन करना पड़े, तो हमारी जितनी भी डिटेल अभी अभी हमने फिल की है वह डिटेल सेव रहेगी पोर्टल पर, और कभी भी हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। नीचे ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, और उसके दिया हुआ बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। तो हम जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं।
तो भैया हमने यहाँ पर दोनों फाइल्स को अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब हमारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। आप चाहें तो इस पर व्यू पर क्लिक करके उन फाइल्स को चेक भी कर सकते हैं। तो भैया जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी अभी हमने फॉर्म के अंदर अपलोड किए हैं, अगर आपको उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से फॉर्म के अंदर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखकर आ रहा है यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो जब भी आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वह स्कूल के अंदर दिखाने होंगे एडमिशन के टाइम पर। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, इन डिटेल्स को पढ़ लीजिए आप, और जब आप एग्री हो जाए इन डिटेल्स से तो नीचे यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर दें। अब आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए अपनी एप्लीकेशन को, प्रीव्यू पर क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, लॉगिन आईडी दी हुई है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, नीचे बेसिक डिटेल दी हुई है बच्चे की जो भी हमने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है, तो आप इन डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर विद्यालय सेकंड जो हमने डिटेल फिल की थी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसी तरीके से विद्यालय थ्री में जो हमने डिटेल्स फिल की थी उसकी डिटेल नीचे दी हुई है। अब हमें नीचे जाना है, तो दोस्तों जब आप इस प्रीव्यू को अच्छे तरीके से चेक कर लें तो आपको पुराने टैब में जाना होगा, मतलब ये टैब आपका नया खुल गया है। पुराने टैब में जाने के लिए ऊपर टैब दिए हुए हैं, जैसे मेरे में 9 टैब खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इस टैब पे थे, वो हम पीछे वाले टैब पर जाएंगे, ये वाले टैब, इस पर आप देखिए यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो हमें अब इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्या आप श्योर है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, इसमें नीचे नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हम इसको पहले पोर्ट्रेट मोड में करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ लिख कर आ रहा है यस सबमिट, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमसे ओटीपी मांगी जा रही है जो हमारे मोबाइल पर आई है, ओटीपी को आप चेक कर लीजिए मोबाइल पर, उसके बाद ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिए। आप देख सकते हैं ये हमारी ओटीपी है जो अभी अभी हमारे मोबाइल पर आई है, हम इसको अपने फॉर्म के अंदर डाल देंगे। हमने ओटीपी यहाँ पर डाल दी है, अब हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, अब हमें प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और अपना प्रिंट आउट सेव कर लेना है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। अब हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है, हमें नीचे जाना है, यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, हमें इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है, हमारी एप्लीकेशन मोबाइल में सेव हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस केंद्रीय विद्यालय में निकले हुए फर्स्ट क्लास के एडमिशन फॉर्म को फिल करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो अगर आपकी किसी भी काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।